नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन होमोजेनियस ब्रिक ईच ऑफ लेंथ एल है आर अरेंज एज शोन इन द फिगर, ईच ब्रिक इज डिस्प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द वन ईच कॉन्टेक्ट बाय एल बाय टेन। इनमें जो ये रखी हुई है तो ये एल बाय टेन की डिस्टेंस पे इनमें ये गैप दिया गया है। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, कंसिडर पॉइंट ओ शोन एज द फिगर। हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सेंटर ऑफ निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट का, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एल बाय टू जीरो, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास एल बाय टू प्लस एल बाय में टेन, इतना ये पीछे रखी हुई है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एल बाय टू प्लस टू एल बाय में टेन, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एल बाय टू, यहाँ पे इसका एल बाय टू प्लस थ्री एल बाय में टेन, और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास फिर से एल बाय टू प्लस टू एल बाय में टेन, और इसका कितना हो जाएगा एल बाय टू प्लस एल बाय टेन, और दैट इज एल बाय टू। अब हमें निकाला एक्ससीएम, तो एक्ससीएम में क्या हो जाएगा हमारे पास एम इंटू एल बाय टू प्लस एम इंटू एल बाय टू प्लस एल बाय टेन प्लस एम इंटू एल बाय टू प्लस टू एल बाय टेन प्लस एम इंटू एल बाय टू प्लस थ्री एल बाय टेन प्लस एम इंटू एल बाय टू प्लस टू एल बाय टेन प्लस एम इंटू एल बाय टू प्लस एल बाय टेन प्लस एम इंटू एल बाय टू। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इक्वल टू एम इंटू में एल बाय टू सेवन एल बाय टू प्लस नाइन एल बाय में टेन डिवाइड बाय में सेवन एम, ये डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा सेवन एम। टोटल मास कितना है हमारे पास सेवन एम आ जाएगा, सेवन ब्रिक है तो एम सी एम क्या हो गया कैंसिल, सेवन एल एमसीएम कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लिया हमने कितना दोनों का हमने एलसीएम कितनी ले लिया टेन, ये कितना किधर आ जाएगा हमने टेन क्या ले लिया ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया, तो थर्टी फाइव एल प्लस नाइन एल डिवाइड बाय में कितना हमारे पास सेवन, तो थर्टी फाइव प्लस नाइन कितना हो जाएगा हमारे पास थर्टी नाइन प्लस फोर्टी फोर एल बाय में टेन, और इंटू में क्या हमारे पास सेवन, तो ट्वेंटी टू एल डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी टू डिवाइड बाय में एल थर्टी फाइव, दैट इज द आंसर।